देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। एक तरफ योगी सरकार किसानों के लिए अनेक योजना निकालकर प्रदेश के किसान हित के लिए घोषणा कर रहे हैं। एक किसान के खेत में आग लग जाने के बावजूद किसान के द्वारा सरकारी अधिकारी को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ये तो साफ है कि अधिकारियों के अंदर योगी सरकार का कोई डर ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कैराना क्षेत्र के ऊंचा गाँव में रामपाल पुत्र भूतन ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने खेत में गन्ने की फसल लगा रखी थी, जिसके खेत के ऊपर एसटी लाइन होने से हाई वोल्टेज के तार आपस में भिड़ने से तार में उठी चिंगारियों के कारण किसान के गन्ने के खेत में आग लग गई। आग को देखकर आसपास में काम कर रहे किसानों ने पहले बिजली घर में फोन कर लाइन बंद करवाई, फिर दर्जनों किसानों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। परंतु जब तक किसानों ने आग पर काबू पाया तब तक हाई वोल्टेज ने किसान की फसल को जलाकर राख कर दिया। किसान अमरीश ने बताया कि फायर ब्रिगेड और यूपी सो को फोन किया तो दोनों नंबर बंद मिले। सरकारी नंबर बंद होने से किसानों में रोष दिखाई दिया। किसान रामपाल ने बताया कि उसने बिजली विभाग से कई बार जर्जर तारों की शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, मगर प्रशासन ने किसान की बातों को अनदेखी कर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण उसके गन्ने के खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका है। वही किसान और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। भैया बिजली के तार ने मैं दरखास्त भी दे चुका पहले, इसमें एक मुझे आग लगी है, बिजली के तार से लगी इसमें आग। मगर ये बाद में मेरे पास है 3 बीघा जमीन है और मेरे पास कुछ ढेला नहीं, मैं ट्रक का बीमार हूँ, मैं कमा भी नहीं सकता, मैं मजदूरी आदमी, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। बस मेरे पास लड़की जवान बैठी, उसकी शादी के लिए मैं अपना एक बोया था, पहले साल मेरे पास एक नहीं हुआ, वही फसल पहले साल वाली अब के साल हुई, मेरी एक साल फसल मर गई और यह फसल भी मेरी जल गई। कब का मामला है, कब लगी आग? ये जी आग सुबह 1 बजे के टाइम में लगी। अच्छा, तो इसमें कितना नुकसान हुआ आपका? तकरीबन 1.25 लाख रुपए का नुकसान मेरा हो गया जी इसमें। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुरुड़ में जंग खा रही है करोड़ों की मशीनें। बच्चों के बैठने की टेबल कुर्सियों में जमी है कई महीनों से धूल। विभाग की कार्यशाली से बच्चों के पठन पाठन पर पड़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव। 3 वर्ष बाद भी नहीं हो रही है कक्षाएं संचालित, ऐसे में कैसे हो बच्चों का भविष्य निर्माण? भाजपा के वरिष्ठ नेता दिगंबर नाथ गोस्वामी ने राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान गुरुण प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाचार्य ड्यूटी से गायब रहते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार इसकी शिकायत विभाग को कर दी गई है पर कोई भी इस ओर कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता महेश गोस्वामी का कहना है कि आईटीआई को लेकर कई सपने देखे थे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर मायूसी हुई। उन्होंने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के बागेश्वर से अखिल आजाद जोशी की रिपोर्ट। अलावा यहाँ पर कभी 3 साल से ऊपर यहाँ पर आईटीआई खुला हुआ हो गया है, कभी यहाँ पर प्रधानाचार्य 10 मिनट के लिए यहाँ पर ये आईटीआई में आके न बैठे, न कभी इसका निरीक्षण किया। यहाँ पर कोई दिन का चौकीदार नहीं है, न कभी वहाँ यहाँ कोई झाड़ू लगाता है, न साफ सफाई होती है, न यहाँ क्लासेस चल रही है। और ये यहाँ के बच्चों के गरुड़ के ब्लॉक के बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने, पिछली सरकार ने यहाँ पर ये खुलवाया था, उसके दो ट्रेड भी सही ढंग से संचालित नहीं हो रहे हैं। अब जो है कि और 4 ट्रेडों का यहाँ पर सामान है वो जंग खा रही है मशीनें, और न उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। हमने बार बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और मंत्रियों से कह दिया कि ये 2 ट्रेड और संचालित करें और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानाचार्य यहाँ पर बिल्कुल ही, उनका रवैया बिल्कुल यहाँ की पब्लिक यहाँ उनके लिए अच्छा नहीं है, कभी यहाँ देखने के लिए नहीं आते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और 2 साल हो गए यहाँ पर न भवन का किराया मिला, न यहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारी को समय पर वेतन मिलता है, न यहाँ पर एक झाड़ू रखा है, न इतने बड़े आईटीआई भवन में एक बल्ब तक यहाँ पर नहीं है, उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है, और मशीनों को जंग लगा के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मशीनें। आपको सुना दिगंबर नाथ गोस्वामी, हमारे गरुड़ ब्लॉक के बच्चों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है। यहाँ पर करोड़ों की मशीनें धूल चाट रही हैं, उनमें जंग लग गया है, साफ सफाई वहाँ कभी झाड़ू का भी, मैंने इतना कूड़ा है वहाँ पर, मैंने कभी बच्चों को यहाँ पर देखा नहीं, मैंने कभी यहाँ पर क्लास लगे भी नहीं देखे। पता नहीं अब क्या, या ये सरकार की कमी है, या ये प्रधानाचार्य की कमी है, या
हमारे बच्चे ही शायद ऐसे हैं, तो उनके भविष्य के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। नगर के शिव चौक पर हिंदू रक्षा सेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप गौड़ के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पीडीपी विधायक एजाज अहमद का पुतला दहन किया और जम्मू सरकार से पत्र भेजकर पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। आपको बता दें कि जनपद के शिव चौक पर हिंदू रक्षा सेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप गौड़ के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पीडीपी विधायक एजाज अहमद का पुतला फूंकते हुए उनकी गौर निंदा की और अपने बयान में कहा कि जिस तरह से पीडीपी विधायक एजाज अहमद ने कहा कि आतंकवादी मेरे भाई हैं, ऐसे में ऐसे देशद्रोही को जम्मू सरकार कड़ी से कड़ी सजा देकर पार्टी से बाहर निकालने हिंदू रक्षा सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो आतंकवादी देश के सुरक्षा बलों पर गोली चलाते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, वह जनता के द्वारा चुने गए विधायक के भाई कैसे हो सकते हैं। हिंदू रक्षा सेना एजाज अहमद के द्वारा दिए गए बयान की गौर निंदा करती है तथा जम्मू सरकार से मांग करती है कि इस तरह के लोगों को पार्टी से निष्कासित कर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। पार्टी के एक विधायक हैं एजाज अहमद मीर करके नाम है उनका, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने आतंकवादियों को अपना भाई माना है और उन्हें कहा है कि जो आतंकवादी मरते हैं उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, उनकी तुलना सैनिकों से करती है। ये बड़े चिंता की बात है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और पीडीपी पार्टी से हम मांग करते हैं कि इस तरह के विधायक को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के विधायक पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।